गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब अच्छे हैं? तो आज बात करते हैं अपन इस पे जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो टार्ट्रिक एसिड अपना टॉपिक चल रहा था। तो टार्ट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट की हुई है लास्ट वीडियो से। तो आज अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पर अगर अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन पर क्या होता है कि भाई, पहली बात कि जो टार्ट्रिक एसिड है या इसके टार्ट्रेट के जो साल्ट हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि एक गुड रिडक्टेंट होते हैं, एक अच्छे अपचायक होते हैं। ठीक है ना, कि ये दोनों क्या है कि एक अच्छे अपचायक की तरह बिहेव करते हैं। तो इस रीजन से क्या है कि यदि हम क्या करते हैं कि टार्ट्रिक एसिड जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में यानी कि एमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है, वो क्या करता है कि जो मेटेलिक सिल्वर है यानी कि जो चांदी है का, उसका रिडक्शन कर देता है और अम्ल क्या करता है कि अपने आप में ही क्या होता है, टार्टोनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और इस विटमिन ये क्या है कि ये जो करेक्टर है ये क्या है कि दर्पणों में रजत दर्पण जो बनता है अपने सिल्वरिंग ऑफ मिरर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर इसका ऑक्सीडेशन अपन किसके साथ, फेंटेन रिएजेंट क्या होता है कि हाइड्रोजन परोक्साइड और फेरस सल्फेट का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, फेंटेन रिएजेंट होता है। से अगर क्या है कि टार्ट्रिक अम्ल जो है वो क्या करता है, टार्ट्रिक एसिड डाईहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन की बात है। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो पहले इसको क्लियर करते हैं क्या होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड और टार्टरेट, लवण, साल्ट, टार्ट्रेट लवण या साल्ट। जो टार्ट्रेट लवण आपको बताया था सोडियम पोटेशियम जो टार्ट्रेट है, जिसको अपने क्या है रोसिल लवण बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो साल्ट। ठीक है, लवण अच्छे रिडक्टेंट, अच्छे अपचायक, गुड अपचायक के रूप में व्यवहार बिहेव। ठीक है ना, अच्छे रिडक्टेंट के रूप में क्या करते हैं कि एक गुड रिडक्टेंट के रूप में बिहेव करते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड एमोनाइड अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन विलयन का धात्विक यानी कि मेटेलिक मेटेलिक सिल्वर यानी कि चांदी में रिडक्शन अपचयन कर देता है। ठीक है, और स्वयं स्वयं टार्टोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज
हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यह गुण, यह करैक्टर, यह गुण दर्पणों के रजतन, सिल्वरिंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मिरर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन, टार्ट्रिक एसिड CH CO O H CH CO O H, और यहाँ पर क्या है, OH OH। ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड हो गया। अब इसका क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ इसका ये क्या करेगा, इसको किसमें, सिल्वर में करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, COOH, ये क्या बन गया, टार्टोनिक एसिड। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर, ये क्या बन गया, मिरर, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स और इसके कितने, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, ये तो था इसका फर्स्ट। अब बात करते हैं इसका सेकंड, जो क्या है, फेंटेन रिएजेंट के साथ है। फेंटोन जो रिएजेंट है, फेंटोन रिएजेंट क्या होता है, H2O2 प्लस FeSO4, फेरस सल्फेट का जो मिक्सचर, ठीक है, से टार्टरिक एसिड डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक मैलेइक एसिड में ऑक्सीडाइज मैलिक एसिड में ऑक्सीडाइज ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि यदि अपने फेंटोन रिएजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन CHOH CO O H CH OH CO O H। ठीक है, अब यहां पर क्या लेंगे, फेंटोन रिएजेंट, FeSO4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड नहीं, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से
बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि थर्ड पॉइंट इसी का ऑक्सीडेशन का, यदि अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज के रूप में अपन यहाँ पर कोई यूज करते हैं, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि टार्ट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट से कराते हैं के साथ, सॉरी के साथ कराते हैं, तो यह ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टार्ट्रिक एसिड COOH CHO COOH टार्ट्रिक एसिड, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, जैसे लाइक यहाँ पर KMnO4, ठीक है ना, ऐसे ही आप कोई भी ये ले सकते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के फोर मॉलिक्यूल्स, सॉरी फोर एटम्स यहाँ पर यूज होंगे, और इसके टू मॉलिक्यूल्स और इसके भी टू मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका, वो आता है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब इसका क्या है कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको जब हीट करते हैं, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, SO2 में क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बात आती है, जब टार्टरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, तथा H2SO4 SO2 में रिड्यूज हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। SO4 किसमें, SO2 में अपचयित होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन
ये टार्टरिक एसिड, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। इसके साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड को मनी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस करेंगे। तो इसके तो टू मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, वाटर के 5 मॉलिक्यूल और SO2 के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या आएंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो लास्ट एंड फाइनल जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बची है, रिएक्शन विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड HBr से रिएक्शन कर क्या फॉर्म करता है, डाइब्रोमो सक्सिनिक, डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे। तो एक तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सक्सिनिक एसिड, डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड, COOH और COOH, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, 1, 2, 3 बोल दे, या इसको अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो सक्सिनिक एसिड, ठीक है, 2, 3, या क्या बोले इसको भाई, ये दोनों कार्बन क्या है, अल्फा, और इधर से आएंगे तो ये भी अल्फा, तो ये दोनों क्या है, अल्फा अल्फा डैश बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसके यूजेज होते हैं, तो इसमें क्या है, सिल्वर मिरर बनाने में, फॉर्म करने में, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्मेशन में, मेडिसिन में, औषधियों के रूप में, ठीक है, प्रिंटिंग और प्रेस में, रंगाई छपाई में, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर जो सॉल्ट होता है उसको बनाने में, और एक फैलिंग सॉल्यूशन बनाने में इसका क्या है, यूजेज है, ठीक है। तो ये टार्ट्रिक एसिड की आज बात खत्म होती है। इसके बाद जो अपना नया टॉपिक आएगा वो हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, जिसे अपने बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या अपन क्या बोलते हैं, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस पर अपन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नए न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।